ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੂ ਹਰੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। देखो, जैसे आप जानते हैं, पराली प्रबंधन जो है वो बहुत बड़ा इशू है, खास करके जब पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ पे पराली में बहुत ज़्यादा आग लगती है। इसी इशू को लेते हुए सारे पंजाब के कृषि विज्ञान केंद्र आगे आए हैं और भारत सरकार ने भी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक स्पेशल प्रोजेक्ट हमें दिया है। वैसे तो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में तीनों स्टेटों में मिलकर ही इसके अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आग की घटनाएँ वो पंजाब के अंदर होती है, करीब 20 मिलियन टन जो पराली प्रोड्यूस होती है उसको आग के हवाले कर देते हैं, समय कम होता है। इस इश्यू को बड़े ध्यान में रखते हुए हमने सभी कृषि विज्ञान केंद्र को इसके अंदर इन्वॉल्व किया है। और जहां तक मैं बात करूं तरन तारण डिस्ट्रिक्ट की, तो कृषि विज्ञान केंद्र बूहू के अंदर जो स्थित है, पूरी टीम यंग है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में किसानों के साथ मिलकर इसके ऊपर पूरा काम किया जाएगा। असी पिंड जिहड़े अडॉप्ट किए उन्होंने असी लोगों को मोटिवेट किया, उन्होंने दस्या है कि जो पराली से आप अग लावे तो होंगे कि साड़ी जिहड़ी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घटती हैगी, साड़ी जिहड़ी नाइट्रोजन घटती है, फॉसफोरस असी नुकसान कर दें, पोटाशियम का नुकसान कर दें, तो सल्फर का असी नुकसान कर दें, वो जिहड़ियां गैसा पैदा होंदियां जिहड़ी जिहड़ी मानवता जिहड़े जिहड़े बच्चे है बजुर्ग है उन्हां दी सेहत ते असर आंदा है, किसी नूं स्किन एलर्जी हो जाती है, तो दूजे नाल जिहड़ा है क्लाइमेट जिहड़ी है चेंज आंदा है, ग्लोबल वार्मिंग आंदी है, 17% पोल्यूशन कहिंदे आ कि इहदे नाल ही हुंदा हैगा।